अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी जो पहली क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास वन है, डे वन है। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने क्लासेस को वैसे ही फॉलो करना है जैसे कि मैं आपको भेजूंगी, जैसे कि डेज वाइज क्लासेस आएंगी, और फिर आप उसको यूज भी कीजिएगा, प्रैक्टिकली भी यूज कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आज की हमारी क्लास वन है, जैसे कि आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपकी मैं मुश्किल आसान करने वाली हूँ। बिकॉज क्या होता है, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, चूंकि अब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो आज से आपने क्या शुरू करना है, आज से आपने लोगों से इंग्लिश में बात करनी शुरू करनी है। और इसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग, यानी आप जब किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं या किसी को देते हैं तो आप बातचीत को शुरू खुद कीजिएगा, इसको हम आइस ब्रेकिंग कहते हैं। तो आज से आइस ब्रेकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह के क्वेश्चन करें। हाँ, बहुत सारी हेजिटेशन होती हैं, कहीं गलती ना हो जाए, सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, क्या किया जाए। तो आपको मैं वो क्वेश्चंस जो है मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूंगी, आपको वो क्वेश्चंस बता दूंगी, आपने कॉन्फिडेंटली उन क्वेश्चंस को बोलना है और उनके आंसर्स लेने हैं। और उस सब में आपने क्या करना है, अपना फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके पोस्चर जेस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज आपकी पोस्चर जेस्चर और आपके हैंड मूवमेंट से भी एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आज से जब भी बाहर जाना है, किसी को मिलना है, तो खुद से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, जिसको आइस ब्रेकिंग हम कह रहे हैं। और उसके बाद आपने उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चंस मेरे पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी आप कैसे पूछ सकते हैं और कैसे एक स्टाइल के साथ पूछ सकते हैं, और ये एक स्टाइल कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो चलिए जी, हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जब किसी को मिलते हैं तो आप कहते हैं हेलो, हाय, ठीक है। और पाकिस्तानी कल्चर में इसको हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा आपको इंसान कहता है वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद आप क्या कहते हैं, जैसे अगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराना है तो मैं आपसे कहूंगी माय नेम इज सना, और फिर मैं आपसे, चूंकि मैंने बात को बढ़ाना है, कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना है, तो मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी, मैं पूछूंगी व्हाट इज योर नेम। अब देखिए, व्हाट इज योर नेम को कहने के दो तरीके हैं, एक तो हम कहें आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, या इसको हम शॉर्ट करके भी कह सकते हैं, और वो क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज नहीं, व्हाट्स योर नेम। सो माय नेम इज सना, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ओके, सो फिर आप मुझे अपना नाम बताएंगे, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अली है तो आप कहेंगे माय नेम इज अली, राइट। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू अली, या मैं आपसे कहूंगी अली हाउ आर यू, अली आप कैसे हैं, तो आप मुझे बताएंगे आई एम फाइन, ठीक है। और आप मुझे पूछेंगे हाउ आर यू, तो मैं आपसे कहूंगी आई एम फाइन। मैं यहाँ पे एक एडिशन भी करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले पूछा आप कैसे हैं, तो आपने मुझे कहा आई एम फाइन, और अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूं, तो मैं कहूंगी आप ठीक है, मैं भी ठीक हूं। भी को कहते हैं टू, तो मैं थोड़ा सा ये वर्ड ऐड कर दूंगी आई एम फाइन टू, मतलब आप ठीक है, मैं भी ठीक हूं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अक्सर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, तो इसका मतलब होता है कि आपके बारे में पूछा जा रहा है या आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं आप क्या करते हैं, आप कह सकते हैं मैं बिजनेस करता हूँ, आप कह सकते हैं मैं पढ़ता हूँ। अगर आपने ये कहना हो कि आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे आई स्टडी इन क्लास 11, आप कहेंगे मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, स्टडी जो है वो एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। और हमने अक्सर ये सुना है, कि आई के साथ हमेशा एम आता है, मगर हमने ये नहीं सुना कि कब आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आई के साथ यहाँ पे एम नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है और इसके साथ आई एन जी नहीं है। याद रखिएगा, अगर आई एम तब आएगा जब वर्ब के साथ आई एन जी होगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, टीचिंग के साथ चूंकि
ये वर्ब है, इसके साथ आई एन जी आ गया तो हमने एम लगा दिया. आई एम टीचिंग यू, आई एम गाइडिंग यू, राइट. तो यहाँ पे आप देखें कि स्टडी के इसमें आई एन जी की फॉर्म नहीं है, तो आई एम नहीं आएगा, आई स्टडी आएगा. वो कहेगी तो आई स्टडी इन क्लास 11th, और वो यही क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है. उसके बाद वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. तो आप बता सकते हैं आई लिव एट, एट के साथ हमेशा लोकेलिटी आती है, यानी आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां उसमें आप एट लगाएंगे, और अपने सिटी के नाम के साथ आप इन लगाएंगे. ठीक है, जैसे आई लिव एट दिस इन सिटी, इन फैसलाबाद, इन इस्लामाबाद, इन लाहौर. तो बड़ी जगह के साथ आप इन लगाएंगे, और अपने मोहल्ले के साथ, लोकेलिटी के साथ, या अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे आप एट लगाएंगे. यानी छोटी प्लेस के साथ एट लगेगा, और जो उससे थोड़ी बड़ी प्लेस है उसके साथ इन लगेगा. अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा और वो भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव. अब पहला क्वेश्चन तो उसने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, राइट. और अब आप भी यही क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. उसने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव और आपने बता दिया, और अब वो आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपने कहना है, अब आपने भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव. यू के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है, बिकॉज आप भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिपीटेडली, तो ये स्ट्रेस वर्ड्स होते हैं. अगर आप स्ट्रेस वर्ड्स को अपने इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, चेंज हो जाती है. हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या होगा, वेट व्हाट डज योर फादर डू. अब आपसे वो ये पूछ सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, आपके ब्रदर क्या करते हैं. तो क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट डज योर फादर डू. आप भी सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं. और इससे आगे अगर आप बात बढ़ाएं तो आप ये भी कह सकते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, हम दूसरे को पूछ रहे होते हैं कि आप फारिग होकर भी क्या करते हैं, इसको हॉबीज कहते हैं, राइट. व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है. और वो आपको ये भी आंसर कर सकता है, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट. या वो आप ये कह सकता है, आई रीड बुक्स इन माई स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम का मतलब होता है फारिग वक्त, यानी वो वक्त जिसमें आप कुछ नहीं करते, इसको हम लेजर भी कहते हैं. अगला क्वेश्चन जैसे कहा जा सकता है, वो आपसे पूछ सकता है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं. तो आपका आंसर होगा, यस आई डू, हाँ. या आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कह सकते हैं, नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं. तो इस तरह से आप बात को जो है वो कर सकते हैं, पहले आप इंट्रोडक्शन करें, उसके बाद आप उनका नाम पूछें, उसके बाद आप उनके बारे में पूछें वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कहाँ रहते हैं, उनके घर वालों के बारे में पूछ सकते हैं, फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप बात को बढ़ा सकते हैं. अब क्या है कि चूंकि हम इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, हमने खुद खुद से बात को बढ़ाना है. और एक और बात, अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, और थोड़ी सी कर्टेसी भी डाल दिया करें, यानी कर्टेसी क्या, आई एम फाइन, थैंक यू. थैंक यू का मतलब होता है, यानी आप कर्टेसी डाल रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने आपको आपके बारे में पूछा. तो ये जो चीजें हैं आपने अप्लाई करनी है, इसको आप क्वेश्चन को अपने मतलब लोगों के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. लेकिन आज से आपने क्या करना है, आपने आइस ब्रेकिंग स्टार्ट करनी है. आइस ब्रेकिंग, खुद से बात करना शुरू करें, राइट. अपना इंट्रोडक्शन दे दें, किसी का इंट्रोडक्शन ले लें, और आप देख सकते हैं लर्निंग आउटकम, स्टार्ट टॉकिंग. अब आपने बात शुरू करनी है, आइस ब्रेकिंग करनी है, ग्रीटिंग करनी है, थोड़ी सी कर्टेसी भी ऐड कर दें, किसी का शुक्रिया अदा कर दें, माय प्लेजर, थैंक यू, राइट, सो नाइस ऑफ यू. दीज आर द ओल्ड कर्टेसी वर्ड्स यू कैन ऐड ऑन. और मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप एक पार्टनर को ढूंढें, उसके साथ अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करें, और उसके अलावा प्रैक्टिस जितनी हो सकती है करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. उम्मीद है आज से आप आइस ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे, बोलना शुरू करेंगे. और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।